जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। राजनगर एक इतिहास का साक्षी बन रहा है आज, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो कि जेबीके से झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति होकर उभरी, दो तीन साल उनका जो है लंबा संघर्ष रहा, झारखंड के सरकार के विरुद्ध रहा और 1932 खतियान की मांग को लेकर रहा, आज उन्हीं के दल से केंद्र संगठन मंत्री उदय बंकिरा जी जो है अपने हजारों समर्थकों के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। ये पहला तो एक सवाल का विषय है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही क्यों? उदय बंकिरा जी जो कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, दादा पहले से ही जो मैंने कहा कि आज जो है राजनगर एक इतिहास का साक्षी बन रहा है, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जेबीकेएसएस थी, वो जेबीकेएसएस हमेशा से जो है झारखंड की सरकार के विपरीत जो है कई आंदोलन किया, उसके साथ पेपर लीक के मामले को लेकर 1932 को लेकर तरह तरह की चीज़ें जो है सरकार के खिलाफ आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इसी के साथ आप आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं, ये परिवर्तन कहे समय के साथ या फिर क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? और साथ में जो टिकट की बातें सामने आई थी कि टिकट नहीं मिलने की वजह से जो है खास नाराजगी देखी गई और उसकी वजह से जो है आप पार्टी का दामन आज हजारों समर्थकों के साथ जो है शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक बंधुओं को मेरे यानी उदय बंकिरा की ओर से हार्दिक बधाई। और आपका मूलतः तीन प्रश्न है जिसमें शायद टिकट नहीं मिलने की वजह से हमने आया होगा। दूसरा प्रश्न ये रहा कि पहले उस पार्टी में थे जिस पार्टी का निधि रखा गया था कि सरकार जिनका है उनका विरोध में काम करना, और दूसरे और तीसरा आपने ये बोला कि आप कैसे अभी आने वाला समय के लिए रेडी होंगे। तो सर ऐसा बात है, पार्टी में होना और पार्टी में ना होना ये एक अलग चीज़ है। दूसरा एक ये चीज़ है कि आपको पार्टी से अलग एक आम इंसान का रूप के लेकर के होने से भी आपको ना झारखंड का सारे सिटीजन के हित में आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ पार्टी के लोग ही करेंगे ये सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य खतरे में पड़ेगी। ये मैटर नहीं करता कि मैं जेबीकेएसएस में रहता था अब वो पार्टी के साथ मैं धोखेबाजी करके आया, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जेबीकेएसएस वॉज द स्कूल ऑफ मी हु लर्न मी टू एजुकेट अबाउट द पॉलिटिक्स, ये मैं इनकार नहीं करना चाहता हूँ और इनकार करूँगा भी नहीं सही में कि जेबीकेएसएस मेरा पॉलिटिकल स्कूल रहा है। और टाइगर जारा महतो वॉज अ हीरो, ही विल बी हीरो फॉर मी फॉर एवर, बट द क्वेश्चन इज मुझे झारखंड के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सबसे पहले झारखंड से ज़्यादा अपना सरायकेला के बारे में सोचना है। अगर मैं सरायकेला के बारे में मैं पहला सोचूंगा ये परिपूर्ण तरीके से सही हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली स्टेट के बारे में सोचूंगा। तो इसीलिए फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी है टू सी माय विलेज, टू सी माय ब्लॉक्स एंड टू सी माय जुरिस्डिक्शन एरिया अबाउट द असेंबली एरिया 51 सरायकेला। ये मेरा प्रायोरिटी देकर के मैंने आज जेएमएम का दामन थामा और जेएमएम को मैं एक हथियार के रूप में देखता हूँ पहले से ही, और जेएमएम का वो हथियार मैं अपने अपना हाथ में लिया हूँ। अब मैंने पहले भी वजह से बोला कि जो दुष्प्रभाव हमारे, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे जो टाइगर कहे जाने वाले श्री चंपई सोरेन, माननीय श्री चंपई सोरेन एक CM, वो उनको जिताने में कहीं ना कहीं राजनगर का 21 पंचायत ही एकमात्र रीजन हुआ करता था। तो अब हम लोग सारे लोग 21 पंचायत के भीतर यहाँ काउंट कर लीजिएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी फ्रॉम दिस 20 मतलब 21 पंचायत का अंदर से आते हैं, तो उनको पहले ही समझ में आ जाएगा कि 21 पंचायत के अंदर से अब इस बार एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसी के चलते आज हम लोग ने इसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का हम लोग ने शपथ लिया है और आगे इनको लेकर के बहुत परिपूर्ण तरीका से आने वाला समय में ये जेएमएम का झंडा गाड़ने का काम करेंगे। जब भी हमारा चर्चा आपके साथ हुआ है तो हमेशा से आप जो है हमेशा से ही यहाँ के जो स्थानीय विधायक चंपई जी के बारे में जिक्र करते थे, उनको लेकर टिप्पणियाँ करते थे, तरह तरह की जो कमियाँ हैं वो निकालते थे आप, क्योंकि उनका एक लंबा दौर यहाँ पर राजनीति का रहा है, वो अब भाजपा में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं ये एक आपको एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिले कि यहाँ पे कोई एक नया नेतृत्व सामने आएगा जो कि बेहतर तरीके से जो है काम करेगा चंपई दा के देखा जाए कंपेयरिंग में, ये आपको क्या इसका लेकर सोचते क्या? मैं बस ये सोचता हूँ कि जो जंगल जमीन नाला नदी इनके विरुद्ध कोई अगर एक्शन प्लान तैयार करता है तो वो सीधी तरीका से हमारा यहाँ का सिटीजन का दुश्मन है। तो अगर हमारा यहाँ का सिटीजन का दुश्मन है तो डेफिनेटली उदय बंकिरा का भी दुश्मन है। तो उसी प्रकार बीजेपी हमारे नज़र में एक इनिमी है, हमारा राज्य के नज़र में एक इनिमी है, इसलिए हमारा राज्य के नज़र में अगर वो इनिमी है तो कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा
झारखंड टाइगर कहे जाने वाले श्री चंपा सोरेन उनके साथ दोस्ती कर गए, तो हमारे पास अभी चैलेंजिंग ये है कि दो इनिमी साथ में पुराना खिलाड़ी, पुराना मैदान, पुराना सारा चीज़, बट उनको एक चीज़ एहसास करना पड़ेगा कि अपग्रेडेशन मांगता है लाइफ, अपग्रेडेशन मांगता है हर चीज़। पुराना जमाए में करीबन 2008 या 10 के बीच में आपका 1600 मोबाइल नोकिया का चलता था, बट अभी का टाइम देखेंगे तो एवरीबडी इज़ हैविंग स्मार्टफोन, है ना, तो अपग्रेडेशन मांगता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन सिर्फ नेताओं में हो रहा है या फिर जनता के मन के बीच में भी ये हो रहा है? ये देखिए, यहाँ से हम लोग ने ना किसी को 500 रुपया दिया, ना किसी को 200 रुपया नहीं दिया, किसी को 5-8 भी नहीं दिया है। किसी को आप पता कर लीजिए, कोई अगर आया है तो दिल से आया है, इसको अपना हथियार के रूप में लेने के लिए आया है, और उनके अगर भीड़ आते हैं ना तो किसी ना किसी हर किसी को अपने वो पेमेंट सैलरी बेसिस पे लेके आते हैं। और यही ट्रेंड को हम लोग ट्रेंड में बदलेंगे, उनका जो पैसा से दे करके लेके आने वाला ट्रेंड है ना, दिस विल बी चेंज्ड विद इन सम वीक्स, ये मेरा गारंटीड है। इसका कारण ये है क्योंकि हमने राजनगर का 21 पंचायत को अच्छा से स्टडी किया है, सरायकेला का 7 पंचायत और 11 को नगर निगम वार्ड को अच्छा से स्टडी किया है, और गम्हरिया का आपका 14 को पंचायत और 35 को नगर निगम का हर विलेज और वार्ड को स्टडी किया है। इसी के चलते हम गारंटीड रूप से जानते हैं कि इस ट्रेंड को बदलेंगे, और वो ट्रेंड हम सारे जितने दिग्गज हमारे पुराने गार्जियन स्वरूप लोग हैं और हमारे भाई बड़े भाई जैसे जितने भी सदस्य हैं, सब लोग इकट्ठा लड़ेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इसी के साथ जो है, जो यहाँ के पहुंचे हुए लोग हैं, जो लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या नाम है आपका दादा? मेरा गंगाराम पूर्ति। अच्छा अच्छा, आज आपने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन, मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, पुराना कार्यक्रम से जन्म दिया हूँ मैं, इसीलिए मैं नए भी शामिल होते हैं तो मैं जेएमएम का झंडा हमेशा ढोके रखता हूं और जेएमएम का हमेशा प्रचार करता रहा हूं, क्योंकि मैं जेएमएम का आंदोलनकारी हूं, तो ज़्यादा नहीं बोलूंगा, यही बोलना चाहूँगा। और आप बंकीरे को हम लोग बढ़ाने के लिए जी जान से हम लोग कोशिश करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा हैं जुड़े आज यहाँ पे पहुँचे, आप लोग जो है उदय बंकीरे, आप लोग के सामने जो है पार्टी का दामन थामे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में देखती थी जेएलकेएम को, जेबीकेएसएस को, क्या कहेंगे इसको? जी सर, आपने अच्छी कहा, लेकिन अभी सरायकेला विधानसभा से मैं एक युवा होने के नाते मैं एक युवा को ही चुनने का काम करूंगा। मैं एक छात्र हूं, तो छात्र का एक सोच रहता है कि हमारे सरायकेला विधानसभा से किस तरह का नेता को चुनना है और अपना जो सरायकेला जनहित के लिए काम करे और छात्र हित के लिए, किसान हित के लिए, सबों का हित के लिए काम करे, वैसा नेता को हमको चुनना है, जिसके मतलब क्या बोलेंगे, उदय बंकरे ऐसा एक लीडर जो है ना, हमारे सरायकेला को उज्ज्वल का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे, जिस तरह हमने कहा शुरुआत से ही, जो है एक नया इतिहास बना, क्योंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जो केंद्र के सदस्य हैं, संगठन मंत्री थे उदय बंकरा जी, अब जो है वो झामुमो का दामन थाम चुके हैं, और तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी हमने जुड़ने का प्रयास किया, उनका विचार जाना कि आखिर वो क्यों इस पार्टी में शामिल हुए। तो तब तक आप जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से, और भी चीज़ें जो है चीज़ को लेकर हम चर्चा करेंगे युवाओं के साथ। बार बार क्या कहेंगे, आस्था झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आस्था है, पहले से नहीं था, चंपाइता जाने के बाद आस्था प्रकट हुआ, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे सुन पा रहे हैं वो लोगों को सबको एक झारखंडी जोहर। मैं विमल कुमार महतो सरायकेला विधानसभा से, और जिस तरह आपने सवाल किया उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो ये हम लोग जेबीकेएसएस से जुड़े थे, तो जेबीकेएसएस से मेरा स्कूल है, जैसे उदय भाई बोले कि ये हमारा स्कूल है, और इससे कोई हम लोग का कोई रिश्ता नाता टूटने वाला है नहीं, ये हमेशा रहेगा। और अभी जैसे हम लोग आए हैं, जो हथियार पकड़ के आए हैं वहाँ चलाने नहीं सके हम लोग, अयो ये हथियार चलाने के लिए हम लोग आए हैं जेएमएम का दामन थामे। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस वाणी को अपना विराम कहूँगा। उदय भाई जो है, उदय भाई के तरफ से और मेरे तरफ से, हमारे जितने युवाओं की तरफ से 4 पंक्तियाँ बोलूँगा। नसीबों के जंजीरों को तोड़ के उड़े हैं, भीड़ का साथ छोड़ के उड़े हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। नसीबों के जंजीरों को तोड़ के उड़े हैं, भीड़ का साथ छोड़ के उड़े हैं, अरे देखते हैं इस बार कौन काटता है हम लोग के परों को, क्योंकि इस बार हम लोग अपने परों को घर में छोड़ के उड़े हैं। तो इसी के साथ आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उदय बंकरा जी जो है अपने समर्थकों के साथ एक नए ऑफिस में जो है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे, और इसी के साथ जिस तरह लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, एक कोल्हान टाइगर जाने के बाद जिस तरह देखने को मिलता है कि लाखों लोग जो है इसमें पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं,
आप यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मामा हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, साथ ही कोल्हान को भी जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे दादा? मैंने क्या बोलेंगे, हमारे चंपा सोरेन जो चले गए उससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा, उससे दुगुना बढ़ रहा है। अब देखिए महिला जेंट्स इतना मैंने इस ये में ज्वाइन हो रहा है पार्टी में, बहुत अच्छा से अच्छा। और हमारे बांकी जी जो है उनका जो जितना समर्थक है पार्टी के महिला और जेंट्स जो है इनके साथ जुड़ा हुआ जो था टोटल, उन लोग आ गया जेएमएम में, आज मैंने शामिल हो गया। इसलिए हमको देख रहे हैं कि अच्छा से अच्छा यहाँ पर मैंने पहले से मैंने दुगुना बढ़ गया। तो लगता है कि पहले से जो है ज़्यादा मजबूती जो है झारखंड मोर्चा इस बार जो है चुनाव लड़ेगी कोल्हान से, क्या अनुमान है कोल्हान का दादा? कोल्हान का तो पहले जैसा था उससे और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, पूरी की पूरी सीटें मिल रही है, पूरी की पूरी सीट इस बार तो लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। केंद्र सदस्य हैं आप गोपाल महतो जी, आपसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, जो कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो कि जेबीके से थी, वो जयराम महतो ही जो है उसका संस्थापक बने, महतो समाज से उठकर आके जो किए, उसके बाद धीरे धीरे जो तमाम समुदाय के लोग उसमें जुड़ते गए। आज एक जो है वो समाज से एक लड़का उभर के आता है उदय बंकिरा जी, जो कि जामू में आस्था रखते हुए जो है पार्टी का आज दामन थामे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए कोल्हान हमारा वीरों का धरती है और उदय बंकिरा जैसे युवा नेता उनके साथ और सैकड़ों लोग जो युवा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पूरा हमारा कोल्हान के साथ साथ पूरा राज्य को इसका लाभ मिलेगा। तो केंद्र सदस्य हैं आप, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह हो वोटर्स की बात करी, हो वोटर्स की एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे तादाद कोल्हान क्षेत्र की बात करी या फिर सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो जो है वोट एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं इससे जो है प्रभावित होगा, फर्क पड़ेगा उदय बंकिरा जी सामने आए। हाँ ये बात तो सही है, आज हमारे जो जुझारू हुनर नेता उदय बंकिरा जी हमारे इस जेएमएम पार्टी का दमन थामा, तो इसमें हर समाज के यहाँ बहुत सारे समाज रहते हैं और हर समाज आज जेएमएम का दामन थामा इन उदय बंकिरा का नेतृत्व से, तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग का कोल्हान, इस कोल्हान क्षेत्र में जितना भी जेएमएम का सीट था वही सीट रहेगा और इस पहले से जो ये था इससे हम लोग बहुत बढ़ चढ़ करके और इससे मर्जिंग बढ़ाएंगे। हम लोग इस तरह का युवा जब आए हैं तो ज़रूर हम लोग का वोट मर्जिंग बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दादा। इसी के साथ जो है इसी तरह का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय बंकिरा जिंदाबाद।